हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे प्रियन्स के बारे में तो क्या आपको अंडर द टॉपिक वायरसेस में पढ़ना होगा तो लेट्स स्टार्ट प्रियन्स जो होते हैं ये प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं और ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं मतलब ये ऐसे इंफेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं जिनमें खाली प्रोटीन्स होते हैं और इनके पास कोई न्यूक्लिक एसिड जो है वो नहीं होता है ना ही डी होगा ना ही आर होगा प्रियोन्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि ये ट्रांसमिट करते हैं डिजीज को ये एक ऐसी फाइंडिंग है जिसकी डिफाइड साइंटिफिक एक्सपेक्टेशंस हैं स्टिल बहुत सारे डिबेट किए जाते हैं कि ये कैसे काम करते हैं लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो सोचते हैं कि जो ये र्यूब प्रोटीन्स होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं होस्ट प्रोटीन्स को ताकि वो क्रिएट कर सक कर सके एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो कॉज करेंगे सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज एनिमल्स में और ह्यूमंस में साइंटिस्ट जो है वो सजेस्ट करते हैं कि कि जो ये डिज़ीज़ है ना ये स्प्रेड होती है जब एक प्रियन जो है वो नॉर्मल वर्जन ऑफ प्रोटीन के साथ कंटैक्ट में आएगा और क्या करेगा और वो कॉज करेगा नॉर्मल प्रोटीन को कि वो चेंज करे अपनी कन्फर्मेशन यहाँ बोलेंगे शेप और क्या बन जाए प्रियोन के जैसा अनलाइक वायरसेस क्या होता है जो प्रियोन्स होते हैं वो भी रेजिस्टेंट होते हैं किसके मतलब अगर इनको ट्रीट करेंगे फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट के साथ जैसे कि हीट है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है फॉर्मल एल्डिहाइड हार्ड है एक्स्ट्रा अच्छा, एक्स्ट्रा अच्छा, अच्छा, तो वो रेजिस्टेंट होते हैं नाउ प्रियन डिजीज डू यू रिकॉल हियरिंग अबाउट मैडकाव डिजीज़ क्या आपने कभी सोचा है सुना है सॉरी इसके बारे में मैडकाउट डिजीज के बारे में ये एक ऐसा एलिमेंट है जो इफेक्ट करता है एनिमल्स के ब्रेन्स को और इसे हम बोव एंड स्पॉन्जीफॉम एंड स्पेलोपैथी भी कहते हैं क्योंकि ये ब्रेन को अपेयर करता है लाइक अ स्पॉन्ज ठीक प्रियॉन डिजीज जो है वो रिप्रेजेंट करती है ग्रुप ऑफ कंडीशंस जो अफेक्ट करते हैं नर्वस सिस्टम को जो ह्यूमन्स में होता है और एनिमल्स में ठीक है ना तो ये जो ये कंडीशंस हैं लोगों में जो ये कंडीशंस होती है ये, ये क्या करती है ये इम्पेयर करती है ब्रेन के फंक्शन को कॉज करती है चेंज मेमोरी में पर्सनालिटी में बिहेवियर में डिक्लाइन करती है इंटेलेक्चुअल फंक्शन में डिमेंशिया में और एबनॉर्मल मूवमेंट्स में पर्टिकुलरली डिफिकल्टी विद कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स के साथ अटैक्शन क्रूट ऑफ डिजीज क्लासिक सी जे डी ये ह्यूमन प्रियॉन डिजीज़ है ये न्यूरोडिजेरेटिव डिसऑर्डर है विद कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक फीचर्स ये जो ये डिज़ीज़ है ये रैपिडली प्रोग्रेसिव होती है और ये हमेशा खतरनाक होती है ये जो ये डिज़ीज़ है इससे डेथ होती है यूजुअली विद इन वन ईयर ऑफ ऑन सेट ऑफ़ इलनेस ठीक है ना मतलब विद इन वन ईयर एक इंसान जो है वो मार जाता है इस, इस डिज़ीज़ से